गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट बेकिंग सोडा। ये भी एक यूजफुल कंपाउंड है जो हमारे रोजाना के जीवन में काम में आता है। अब इसको बेकिंग सोडा, इसे ईटिंग सोडा यानी कि खाना सोडा के नाम से भी जानते हैं। खाना सोडा, मीठा सोडा, मीठा सोडा। तो वहां ये ध्यान रखना, अगर इसके अलावा ये और नाम भी देते हैं कि व्हाट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेकिंग सोडा, तो ये जो खाना पाउडर होता है इसका रासायनिक नाम जो है, केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस नाम से भी पूछ सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इसको बनाते कैसे हैं, पहले तो ये समझ लो, बनाने की विधि बताऊंगा। उससे पहले इस पॉइंट पे मैं निशान लगा रहा हूं, इसको ध्यान रखना, ऑन मिक्सिंग इट विद फूड सब्सटेंसेस एंड हीटिंग, जब गर्म करते हैं उसे, CO2 गैस इज रिलीज्ड एज बबल। किसके रूप में निकलती है, बुलबुलों के रूप में निकलती है, बुलबुलों के रूप में। इन दिस वे फूड प्रोडक्ट्स लाइक केक, जैसे हम केक बना रहे हैं, डबल रोटी या पाव रोटी, ये किसी का नाम ले ले, वो वहां अपनी तरफ से क्वेश्चन देता है, डबल रोटी पाव रोटी। वहां क्वेश्चन कैसे देते हैं कि डबल रोटी के फॉर्मेशन के समय, निर्माण के समय, या पाव रोटी को बनाते समय वो मुलायम और स्पंजी हो जाती है, क्यों? तो उसका कारण यही है कि, मतलब इसका ध्यान रखना, इसको जब बनाते हैं हम, हैं किसको बनाते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं, यानी कोई भी खाने वाला पदार्थ। इसमें केक का उदाहरण दे दिया है मैंने, केक की जगह पाव रोटी या ब्रेड वगैरह कुछ भी दे ले, तो क्या होता है, CO2 गैस जो होती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। इस प्रकार के जैसे खाद्य पदार्थ में फूल करके हल्के यानी लाइट वजन में हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र हो जाते हैं, माने खाओ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी एंड पोरस, पोर्स माने छिद्र, आर प्रोवाइड इन देम, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र पड़ जाते हैं। बोर्ड में इस क्वेश्चन को कैसा पूछा गया, दो बार दोनों तरह से अलग अलग बता रहा हूं, यानी भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन पकौड़े आदि बनाने में स्वादिष्ट क्यों हो जाते हैं, तो उसका कारण ये है क्योंकि उनको बनाते समय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसमें मिलाया जाता है और फिर पकाया जाता है, तब उसमें मतलब जो है भोजन जो है स्वादिष्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन दूसरी बार इस तरह से पूछा गया कि केक डबल रोटी या ब्रेड बनाते समय वो हल्की और स्पंजी या गुदगुदी क्यों हो जाती है, तो यही लिखना है तुम्हें कि जब किसी खाद्य पदार्थ में जैसे डबल रोटी आदि में, मतलब जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाना सोडा मिलाते हैं और उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते समय क्या होता है कि उसमें छिद्र हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, और उन छिद्रों से होकर के वो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस, ये छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और उन छिद्रों से CO2 गैस निकलती है ऊपर की ओर, तो वो फूल जाती है और फूलने से ही वो क्या हो जाती है, स्पॉन्जी। अब वो दबने भी लगती है तो सॉफ्ट भी हो जाती है, इसलिए किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाते समय जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाया जाता है, उसे पकाया जाता है यानी हीट किया जाता है, तो वो मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं क्योंकि CO2 गैस उन छिद्रों से बाहर निकलती है, उसी के कारण वो सॉफ्ट और स्पंजी हो जाते हैं। अब ये मैंने प्रिपरेशन मेथड का
पाउडर बेकिंग नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेकरी वाले जो हैं वो मतलब इसको जब डबल रोटी ब्रेड या पाव रोटी बनाते हैं तो मतलब उसको काम में बेकरी वाले देते हैं, इसलिए इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये जो बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाय यूजिंग NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन यानी सोडियम क्लोराइड का जल विलयन जो कि एमोनिया से सैचुरेटेड होता है, उसमें CO2 गैस फिलो करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जो कि अमोनिया से संतृप्त होता है उसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होती है। ये एक सेकंड मेथड और है, इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी ये धावन सोडा है, ये NO2C3 जो है वो धावन सोडा है। तो धावन सोडा में जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है यानी ये कपड़े धोने का सोडा होता है इसलिए इसमें CO2 गैस जब प्रवाहित करते हैं उसके जलीय विलयन में यानी सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन, तो ये और ये जलीय विलयन हो गया। अब इसमें हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो डायरेक्टली हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी कि मीटर सोडा कह लो, उसे खाना सोडा कह लो, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडा बाइकार्ब ये भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट किसी को अपने नाम से बनाने के लिए पूछ ले तो ध्यान रखना ये किस तरह से बनाते हैं। तो ये सेकंड मेथड है, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड तो वो ही बता दिया था तुम्हें कौन सा के ये NaCl वाला, और सेकंड प्रिपरेशन मेथड होगा के मतलब इसके यानी सोडियम कार्बोनेट के जल विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब इसकी मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, यानी कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया गुण। तो इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यह सफेद कैसा है सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है यानी पहली ये इसका गुण है। दूसरा ये मुश्किल से ही पानी में घुलता है, यानी क्या हो गया मुश्किल से ही जल में मिले, जल में क्या है ये मिले। तीसरा ये है इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्कलाइन, इसका जो पानी में विलयन होता है वो कैसा होता है क्षारीय होता है, यानी इसमें क्षारीय गुण पाए जाते हैं। अब CO2 गैस रिलीज्ड ऑन हीटिंग, यानी गर्म करने पर, किसे गर्म करने पर, जो हम पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ रहे हैं, तो अगर उसे हम गर्म करेंगे तो इसमें से कौन सी गैस निकलेगी ये CO2 गैस रिलीज होगी, ये मुक्त होगी CO2 गैस। ये इसके मतलब इसका ये केमिकल डालिए ये रासायनिक गुण भी कहलाएगा। अब इसके प्रयोग क्या है देखो, एयर बेकिंग पाउडर यानी कि खाना सोडा के खाने के पदार्थों में खाने के सोडा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी बेकिंग पाउडर को जिसमें फूड प्रोडक्ट हम कोई भी फूड प्रोडक्ट तैयार करें तो उसमें जो है खाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है इसका यूज इन मेकिंग सोडा वाटर, यानी कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो, सोडा वाटर हो चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, तो उसमें मतलब जो है सोडा कंटेंट के रूप में हो, सोडा उसमें मिला हुआ हो, यानी कोल्ड ड्रिंक्स में सोडा ही होता है, तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। एंटासिड, एंटासिड का मतलब एसिड का उल्टा, और किसकी रिमूविंग करते हैं ऐसे
हटाने के लिए यानी उसका असर कम करने के लिए एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये एन एक उपयोग और है एन मिल्ड एंटा एंटीसेप्टिक हल्का प्रतिरोधी यानी कमजोर शक्ति वाला हल्का प्रतिरोधी, इसका मतलब है ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। तुमने देखा होगा चींटी के जब लाल चींटी के डंक में जो फार्मेकेसिन होता है उसके असर पर जलन होती है काटते समय, तो मतलब एंटीसेप्टिक के रूप में इसी का प्रयोग करते हैं। अगला उपयोग है इसका फायर एग्जॉस्टिंग, ये एग्जॉस्टर के रूप में अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। वहां पर कौन से इक्वेशन होती है घरों में या सिनेमा घर पे या कहीं बड़े बड़े मॉल में जो है, मतलब क्या होता है ये वाला इक्वेशन काम करेगा। सोडियम कार्बोनेट जो है वो HCl से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा HCl से, तो HCl से क्रिया करके वो CO2 गैस को मुक्त करता है यानी किसी भी प्रकार के अम्ल से क्रिया कराता है वहां, लेकिन जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें HCl यानी HCl नमक के अम्ल होता है और वो इससे क्रिया करके फौरन ही क्या बना देता है CO2 गैस मुक्त होती है और वो CO2 गैस ही उस आग को बुझाने के काम में आती है। ये कॉमन पॉइंट है, ये हर एक में लिख के आ सकते हो प्रयोगशाला में अवकर्मक के रूप में, किसके रूप में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब इससे यही क्वेश्चन जो आए हुए आ चुके हैं बोर्ड में वही बनाए हैं। अब तुम्हें वो एक उसका प्रॉपर्टी लिख लेना कि आग बुझाने के यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है, तुम्हारे यहां उसका वर्णन तो है नहीं। अब अगला आता है वाशिंग पाउडर, यानी कि वाशिंग पाउडर का मतलब क्या हुआ कपड़े धोने वाला सोडा, तो इसमें मतलब क्या करते हैं धारण सोडा को मैं लिख रहा हूं या लिख दिया, इसका सूत्र है Na2CO3.10H2O यानी 10 अणु कृष्ण जल के, इस सूत्र में क्या होते हैं 10 अणु क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल के होते हैं ये। अब बनाने की विधि वही है, इसमें मतलब क्या होता है क्रिस्टलन जल कहां से आता है, मतलब इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं कपड़े धोने का सोडा यानी वाशिंग पाउडर। ये देखो ये धारण सोडा का है, इसे किस नाम से जानते हैं वाशिंग पाउडर कहेंगे, कपड़े धोने का सोडा भी है, क्यों कपड़े धोने का सोडा कपड़ा धोने के काम में आता है, धोने का सोडा इस नाम से भी इसे जानते हैं। हाँ एक चीज और बता दूं, वैसे आपको बताऊंगा मैं, अगर तुमसे सोडा एस, सोडा एस इसका फॉर्मूला बोर्ड में पूछा गया क्या है, केवल Na2CO3 यानी इसमें क्रिस्टलन जल नहीं होगा, जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्रिस्टलन जल जो है वेपराइज हो जाता है यानी वाष्पित हो जाता है और हमें जो पदार्थ बचता है उसे धारण सोडा, उसे सोडा एस कहते हैं। तो मैंने इसमें क्या बताई थी, इसे धारण सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम जो है वो केमिकल नेम जो है सोडियम कार्बोनेट है, इसमें एक सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल में 10 अणु कृष्णन जल के होते हैं और सोडियम कार्बोनेट को जो है साल्वे विधि से निर्माण किया जाता है।
क्या होगा, फॉर्मेशन बाय साल्वे मेथड, ये ध्यान रखना। इसे जो है किस विधि से बनाया जाता है, साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। साल्वे विधि क्या है, वही जो पहले पढ़ चुके हो, कोई बात नहीं है, साल्वे मेथड, साल्वे मेथड। तो इसको जो है किस विधि से तैयार किया जाता है, साल्वे मेथड से तैयार किया जाता है। इन एनदर मेथड सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा। अगर हम जो अभी पढ़ चुके हैं बेकिंग पाउडर, उसको अगर हम हीट कर देंगे तो भी ये प्राप्त हो जाएगा ऑन इट्स रीक्रिस्टलाइजेशन, बासिक सोडा इज ऑब्टेन, यानी बासिक सोडा को प्राप्त करने के लिए इसका पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है। तो ये इसकी विधि है। तो इसको बनाने की विधि मैं बता रहा हूं, पहले तुम्हें मैंने क्या बताया था, अगर हम बेकिंग पाउडर यानी NaHCO3 को हीट करें, क्या करें, हीट करें यानी गर्म करें, तो हमें जो बनाना चाह रहे हैं Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, अभी नहीं बना, ये खाली सोडा S बना है पहले, अब इस ये लगा दें, 2 लगा दें हैं, अब ये देख लेना ये पानी करेगा, अब इनसे तो मतलब है नहीं, इससे मतलब है, अब Na2CO3 रिएक्ट विद ये 10 अणु कृष्ण जल के मिला देते हैं, तो जो है Na2CO3.10H2O, ये हमें जो है धावन सोडा या कपड़े धोने वाला सोडा हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन यहां क्या करेंगे, इसका क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण, फिर समझ लो इसे। अब इसे जो है सामान्य नाम इसका जो है वो किस नाम से जाना जाता है, कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं, लेकिन इसका रासायनिक नाम जो है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, और इसमें कृष्णन जल के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 अणु कृष्णन जल होता है। तो सोडियम कार्बोनेट को किस विधि से तैयार किया जाता है, साल्वे मेथड से तैयार किया जाता है। अब एक अदर मेथड में हम क्या करते हैं, एक अन्य विधि में बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और जिसका पुनः क्रिस्टलीकरण रीक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, जिससे कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा प्राप्त होता है। यह अब इसके मैं तुम्हें गुण बता रहा हूं, गुण क्या होगा, वाइट क्रिस्टलीय, वाइट क्रिस्टल, इसके सफेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं हमें, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, तो ध्यान रखना। अच्छा, सोल्युबल इन वाटर, ये क्या होगा, जल में घुले, गिरे, जल में, जल में बिले, यानी सोल्युबल इन वाटर, सोल्युबल इन वाटर, यानी जल में ये डालने पर ये क्या है, इसीलिए तो कपड़ा धोना सोडा, जब कपड़े धोते हैं तो वहां पानी उबल जाता है, वहां सोडा दिखाई नहीं देता है, तो ये जल में क्या है, बिले है। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर एल्कलाइन, इसका जो जलीय विलयन है, तो क्या लिखेंगे, इट्स वाटर सॉल्यूशन इज एल्कलाइन, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यानी पानी में अगर ऐसे घुल जाए तो वो पानी की टेंडेंसी जो होगी वो कैसी प्रवृत्ति होगी, वो क्षारीय प्रवृत्ति वाला होगा,
नेक्स्ट नंबर इसका देखो प्रॉपर्टी भी बता रहा हूं, अगर इसको हम गर्म कर देंगे तो गर्म करने पर जो पदार्थ बचेगा यानी ऑन हीटिंग यानी क्या हो जाएगा, गर्म करने पर अब देखो इसके समीकरण भी बना सकते हो तुम, क्या होगा धावन सोडा का सूत्र है N2CO3.10H2O यानी 10 अणु क्रिश्चियन जल के होते हैं, अगर हम इसको हीट करते हैं, हीट का मतलब गर्म करना, तो गर्म करने पर ये जो जल है वो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा यदि बाष्पित हो जाएगा, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा N2CO3+NH2O, ये पानी तो बाष्पित हो गया यानी ये तो वेपराइज हो गया, अब ये जो पदार्थ बचा उसी को हम कहते हैं सोडा एक्स। कभी कभी सोडा एक्स का फॉर्मूला पूछ लेते हैं तो केवल तुम्हें क्या लिखना है Na2CO3 लिखना है और इसको हम जो है लगभग हीट जो भी करते हैं मोर देन 373 केल्विन यानी 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जो है पानी हो जाता है इसका और सोडा जो है सोडा एस हमें प्राप्त होता है। अब मैं इसके एक एक करके प्रयोग बता रहा हूं, इस पे ध्यान देना, इन वाशिंग एंड क्लीनिंग, पहला है इन वाशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स यानी कपड़े को धोने और साफ करने के काम में आता है, किसके काम में आता है, धोने और उसका साफ करना यानी सफाई के काम में आता है। सेकंड इसका यूज जो है हम कहां पर करेंगे, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, कास्टिक सोडा हुआ, बेकिंग सोडा हुआ, ग्लास, सॉप, बोरेक्स, ये पाउडर आता है, मैंने क्या क्या बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा अगर बनाना है और बोरेक्स, ये पाउडर आता है आप लगाते हैं, ये क्या है कांच, ग्लास, इसको भी बनाने काम आता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, तो हम कह रहे हैं अदर कंपाउंड ऑफ सोडियम इज प्रिपेयर्ड बाय Na2CO3, तो इसके कास्टिक सोडा बनाने के काम में आ गया यानी NaOH बनाने के काम में आ गया और बेकिंग सोडा भी बनाने के काम आता है, ग्लास है, सॉप है और क्या है बोरेक्स, साबुन बनाने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इतने उपयोग हैं इसके। ये तो इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर हम बनाना चाहें ये सारी चीजें तो इसके ही सहायता से तैयार की जाती हैं। एज ए डिटर्जेंट, किसके रूप में, डिटर्जेंट का मतलब सर्फ वगैरह जो आते हैं ये भी कपड़े धोने के और साफ करने के काम में ही आता है, इसलिए इसका उपयोग भी किया जाता है। पेपर पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री हाँ, कौन कौन से उद्योग में काम आता है, कागज बनाने के उद्योग में, पेंट यानी बार्निश बनाने में, टेक्सटाइल बनाने में, मतलब जो है अंडर गार्मेंट्स वगैरह जो बनते हैं उस उद्योग में भी काम में आता है।
केवल सोडियम के हैं,